वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में पानीपत को देश में तीसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बताने पर यहाँ के उद्योगपतियों ने आपत्ति जाहिर की है। उनकी दलील है कि 4 दिन से 80% फैक्ट्रियां बंद हैं। ऐसा क्या हो गया? जब फैक्ट्रियां चल रही थी तो प्रदूषण कम था, बंद पड़ी हैं तो ये शहर 11वें से सीधा तीसरे स्थान पर आ गया। पानीपत इंडस्ट्री के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन पोल्यूशन को लेकर पानीपत चर्चा में आया है। कुछ दिन पहले पानीपत को प्रदूषित शहरों में 11वें नंबर पर रखा गया था, लेकिन मौजूदा जो सूची आई है उसमें तीसरे नंबर पर पानीपत को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। तमाम इंडस्ट्री से जुड़े लोग, यूनिट से जुड़े लोग हमारे साथ हैं। प्रीतम जी, सबसे पहले आप, ये जो 11वें नंबर से स्थिति सुधरनी चाहिए थी लेकिन 3 नंबर पे ऊपर आ गया, क्या वजह देखते हैं? मेन जो इसके अंदर इंडस्ट्री के बारे में, पहले हमें लग रहा था कि मे भी इंडस्ट्री से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पर इन पर्टिकुलर 4 दिन में जब दिवाली की छुट्टियां हुई हर इंडस्ट्री बंद हुई। ब्लैंकेट प्लांट कंप्लीट बंद, छोटी प्लांट कंप्लीट बंद, स्पिनिंग यूनिट सारे बंद, छोटी से छोटी इंडस्ट्री सारी बंद होगी। पर क्या रीजन हुआ हम 11 में से तीसरे नंबर पर आ गए, ये तो सोचने का, चिंतन का विषय बन गया। और इसके अंदर एक चीज तो क्लियर है, किसी अनजान आदमी से भी पूछोगे भी रोल किसका हुआ, जब इंडस्ट्री चल नहीं रही तो इंडस्ट्री का रोल कहां से होगा? तो इसका मतलब इसके कुछ और कारण है जिस कारण से, और इसका एक मेजर कारण जो हमारी समझ में आ रहा है, दैट में भी उस तो वो तो टेस्टिंग से पता लगेगा। अब इसमें जो बड़े यूनिट है, रिफाइनरी चल रही है पानीपत में, इन छुट्टी के दिनों में चलती है, उसको प्लांट को बंद नहीं कर सकते, 24 आवर प्रोसेस का। फर्टिलाइजर चल रही है और थर्मल चल रही है, इनका जो पोल्यूशन लेवल है दैट मस्ट बी चेक, उनका चेक होना चाहिए क्योंकि वो बंद नहीं थी, हमारी इंडस्ट्री तो बंद पड़ी हुई थी। और सबसे बड़ा इफेक्ट जो आएगा इस बात को लेकर, अगर हम पोल्यूशन बढ़ाते चले गए तो हमारे से एक्सपोर्ट वाला माल कौन लेगा? जैसे जब इंडस्ट्री यूनिट्स चलती हैं तब पोल्यूशन का लेवल कम था, अब आपका कहना कि 4 दिन से इंडस्ट्री बंद है पोल्यूशन बढ़ गया, ये तकनीक में खामी है या क्या कमी देख रहे हैं आप? नहीं, ये कुछ ना कुछ जो है इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि भी इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन पानीपत में सारा नहीं है, थोड़ा हिस्सा हो, बाकी तो इसका मतलब कारण कुछ हो रही है। 4 दिन से पूरी 100% इंडस्ट्री बंद है, दिवाली की छुट्टियों में हमेशा होती है और छठ पूजा के बाद तक ये 25% लगभग चलेगी, और इस दौरान में अगर इतना पोल्यूशन है तो इसका मतलब पोल्यूशन का कारण इंडस्ट्री से अलग है कहीं ना कहीं। अग्रवाल जी, आपको लगता है जैसे जो कई चीजें जो चेक्स करता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट का है, सेंटर का है, कई चेक्स भी लगाता है, अगर इस तरीके से मतलब स्थिति सामने सही नहीं आई तो व्यापार प्रभावित होगा आपका? निश्चित तौर पर व्यापार प्रभावित होगा, लेकिन व्यापारियों का दोष नहीं है इसमें, व्यापारी अपनी जगह प्रदूषण को नियंत्रण करने में पूरी तरह से लगे हुए हैं और वो बहुत सारी उन्होंने सफलता भी ली है। मेरी जो स्थानीय प्रदूषण विभाग है या जो अपने ईपीसीए है उससे अनुरोध है कि वो बाकी कारणों की समीक्षा करें, वो कारण ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि सारे के सारे जो आपने व्हीकल दिल्ली से बाहर किए, दिल्ली में कोई अलग लोग नहीं रह रहे, हम भी उसी दुनिया के लोग हैं, वही सांस हम भी ले रहे हैं, तो वो सारा का सारा व्हीकल यहां से तुरंत इमीडिएट प्रभाव से निकाला जाए, अपने आप यहां एनसीआर में प्रदूषण कम हो जाएगा। पोल्यूशन के जो लेवल को मापा जाता है, जो उपकरण है, जो टेक्निक है, उसमें कोई खामी है आपको लगती है? उसमें कोई खामी नहीं है, वो तो इन्होंने एक जो भी अपनी डिवाइसेस लगाई हैं टोल टैक्स पे लगाई हुई हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट का पॉल्यूशन नापेंगे तो वो तो रिजल्ट वेरी करेंगे ही करेंगे। पानीपत में अधिकतर जाम की स्थिति रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है तो पॉल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब तक जाम की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक पॉल्यूशन लेवल इस शहर का डाउन आ नहीं सकता। आज हमारे सब इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का यहां पर इकट्ठे होने का सिर्फ एक औचित्य था, एक ऑब्जेक्टिव था कि जितना सरकार पर्यावरण के बारे में चिंतित है उससे ज्यादा चिंतित हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। हालांकि पोल्यूशन की बात ठीक है, पोल्यूशन पहले भी था अब भी है, डाइंग एसोसिएशन की तरफ से आपने क्या कुछ ऐसे कोई उपाय किए हैं कि पोल्यूशन को चेक किया जाए, कम किया जाए, सहयोग दिया जाए, आपकी तरफ से क्या हुआ अभी? हमारी तरफ से तो ये बॉयलर पे, हर बॉयलर को चिमनी के ऊपर हमने ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगवा दिया, जिसकी हर रिपोर्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली और हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पंचकूला जाती है, तो वहां पे अगर हल्का भी आता है तो भी अप डाउन होता है तो उसका मैसेज हमारे फोन पे, हमारे ईमेल पे आ जाता है। वो आज हमारी इंडस्ट्री लगभग इस पोजिशन पर खड़ी है जो बिल्कुल वैध इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करे और उसका कोई पोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है, जितने मानक है उसको ही पूरा कर रहे हैं। पर समस्या आज यही खड़ी हो जाती है कि जब इंडस्ट्री ही बंद है कई दिन से और छठ पूजा तक लगभग बंद ही रहेगी तो ये इतना प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है और हमारे ऊपर ही क्यों गाज गिर जाती है हमेशा? आपने मीटिंग की, आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन इस मीटिंग का कोई नतीजा निकलेगा? आप ऊपर तक कहां तक ये बात पहुंचाएंगे? नतीजा तो ये है, हम ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि अब तक हमेशा
गवर्नमेंट या पॉल्यूशन डिपार्टमेंट इंडस्ट्री को ब्लेम करता था कि भाई सारे पॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। जब अब दिवाली के उपलक्ष्य में सारी लेबर छुट्टी कर जाती है और कोई भी फैक्ट्री फिजिकली चल नहीं सकती और चली भी नहीं, तो ये सोचने का विषय पैदा हुआ कि हमारा पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ गया, इंडस्ट्री नहीं चली। तो ये मानना पड़ेगा कि इंडस्ट्री इज नॉट द सोल कल्प्रिट। किसी से अप्रोच करेंगे, जैसे डेलीगेशन आपकी मीटिंग हुई, कोई फैसला हुआ है, किससे मिलेंगे? भाई हम तो जिससे कहो उससे मिल लेते हैं, लेकिन इस सरकार भी तो कुछ करे ना। इंडस्ट्रियाँ तो यहाँ पहले भी लगी हुई थी, आज इंडस्ट्रियाँ नई लग गई हैं क्या जो पोल्यूशन पैदा करती हैं? हम जीना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाइए जीने के लिए, अपने बच्चों को आज सांस लेना हमें मुश्किल हो रहा है। हम तो दोष देना चाहते हैं कि जो ये व्हीकल्स खराब कंडम व्हीकल जो दिल्ली से निकले हैं या कहीं से भी निकले हैं, वो सारे पानीपत में आ गए यहाँ पर। वहाँ जाकर देखो, वहाँ सांस भी नहीं ले सकते, सांस लेते मर जाएगा आदमी, मुझे तो ये शक है। बाकी समस्याएं अपनी जगह, लेकिन पोल्यूशन ने एक बार फिर पानीपत की इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को डरा दिया है कि अगर इस तरीके से पानीपत पोल्यूटेड रहा या इस तरह के जिस तकनीक से पोल्यूशन को मापा जा रहा है, अगर इसी तरीके चलता रहा तो पानीपत की जो इंडस्ट्री है प्रभावित होगी, सरकार फौरन गौर करे। कैमरा बंद रामवीर के साथ वीरेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज़।